ये दिल दीवाना है, ये दिल दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल तेरा दीवाना है सनम। वेल दोस्तों, जब ये दिल का नाम आता है, हार्ट का नाम आता है, तो मुझे लगता है मेरी तरह दिमाग में भी दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बहुत से गाने गूंजते होंगे, गुनगुनाते होंगे आप। तो देखिए ये दिल कितना इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं। अलग अलग इमोशंस को प्रेजेंट करता है, चाहे रोमांटिक हो, चाहे दुख भरे, चाहे प्रेम भरे, चाहे उल्लास भरे, आनंद भरे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी फिजिकल बॉडी में जो हमारा हार्ट है, मैक्सिमम 400 ग्राम्स का वेट लेने वाला ये हार्ट, बहुत सारे दुख और बहुत सारी खुशियां देने वाला ये हार्ट जो है, हम इसे चाहे तो हम आसानी से एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां ये बहुत ज्यादा दुखी करने वाला या बहुत ज्यादा आनंद या खुशियां देने वाला हार्ट हमारी बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएगा, बैलेंस रहेगा, और हम हर परिस्थिति में जीवन में चाहे कोई भी सिचुएशंस आ जाए, आनंद उल्लास और प्रेम को महसूस करेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फोर्थ इम्पॉर्टेंट चक्र, हमारी बॉडी में जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चक्र है जिसे हार्ट चक्र और हिंदी में अनाहत चक्र कहा जाता है, उस हार्ट चक्र को हम मेडिटेशन के थ्रू हील करके, बैलेंस करके बहुत ही आसानी से ये जो हमारा दिल है, धड़कता हुआ दिल, इसे आनंद की स्थिति में ला सकते हैं। फिर दोस्तों मैंने एक बात नोटिस की है, जनरली मैंने एक बात देखी है कि जनरली हम क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं कि हम तो हेल्दी फूड खाते हैं, हम तो बिल्कुल ऑयली फूड नहीं खाते, हम तो योगा करते हैं, हम तो जिम जाते हैं, तो हमें तो हार्ट से रिलेटेड या हार्ट के आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं या हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है ये आपके जो कंसेप्ट है, जो आपका थॉट है, जो आपका बिलीफ है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, जो हमारी फिजिकल बॉडी पर काम करती है, हमारी फिजिकल बॉडी को फिट रखती है, लेकिन आप भी अभी जानते हैं, आप सब लोग ये बात समझ चुके हैं कि हमारी एक इमोशनल बॉडी भी, हमारा एक इमोशनल कोशेंट भी है जिसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मतलब मेंटली एंड फिजिकली जब हम बैलेंस होते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और मेडिटेशन एक इतना ईजी तरीका है जिससे हम अपने इमोशनल लेवल को, हमारे इमोशनल कोशेंट को बहुत ही आसानी से हील करके बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि हमारे जो इमोशंस है, जो हमारे हार्ट से जुड़े हुए हैं, उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बाहर जिम में हमें या कोई हेल्दी फूड हमें से बैलेंस करने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताती हूँ हमारे फोर्थ इम्पॉर्टेंट चक्र जिसे हार्ट चक्र या अनाहत चक्र कहा जाता है, जो कि फिजिकल लेवल पे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से डील करता है। दोस्तों यदि उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन से हमारा नेचर होता है, ऐसे कौन से हम बिहेवियर पैटर्न प्रेजेंट करते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉकिंग की स्थिति में है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एक और बात बताना चाहती हूँ कि देखिए फिजिकल लेवल में भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये साफ बताती हैं कि हमारा जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉकिंग की कंडीशन में है, उसे हील करने की बहुत जरूरत है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट वन इज हाई बीपी की प्रॉब्लम, द सेकेंड वन इज लो बीपी की प्रॉब्लम। हार्ट से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपको, चाहे बाईपास सर्जरी हुई हो या डॉक्टर ने बोला हो बाईपास सर्जरी करने के लिए, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, या फिर वॉल्व से रिलेटेड, आर्टरीज, वेन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपको एस्थमा की देखिए कोई प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड आपके फेफड़े जो है उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कफ, स्नीजिंग, जुकाम की आपको कंटिन्यूस प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए दोस्तों ये सारे जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये सारे के सारे जो तकलीफें हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जो हमारा हार्ट चक्र वो ब्लॉक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं नेचुरल हमारे नेचर में, हमारे इमोशंस में, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ट चक्र जो है
हील करने की जरूरत है, बैलेंस में नहीं है। तो वो सारे सिम्टम बहुत ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर इसे एंड तक देखेंगे तो देखिए आप बहुत कुछ आज यहाँ पर सीख के जाएंगे, बहुत बड़ा ज्ञान लेकर जाने वाले हैं। तो देखिए सिम्टम्स जो हैं, तो द फर्स्ट सिम्टम इज द पर्सन हूज हार्ट चक्र अनाहत चक्र इज ब्लॉक्ड, दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी चारों तरफ एक दीवार सी बना लेते हैं, किसी से ना घुलते मिलते हैं, ना किसी को घुलने मिलने देते हैं, अपने साथ बात करने में हिचकिचाते हैं, अपने इमोशंस रिप्रेजेंट करने में हिचकिचाते हैं, बहुत ही अंदर रखते हैं बातों को, बहुत ही इंट्रोवर्ट छुपे रुस्तम से होते हैं। देखिए इस तरह के स्वभाव के लोगों का पता चलता है कि हार्ट चक्र ब्लॉक है। द सेकेंड सिम्टम इज ऐसे लोग जो होते हैं, देखिए वो जो पेन है, दुख है, दर्द को बहुत लंबे समय से होल्ड करके रखे होते हैं, मतलब उनकी पास में बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज होती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने धोखा दिया, इसने वैसा किया, ये ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत ही बेचारे से होते हैं अगर पास से रिलेटेड उन्हें देखा जाए तो, पेन को उन्होंने बहुत ज्यादा होल्ड किया होता है। थर्ड सिम्टम जो है, ऐसे लोग जो होते हैं इंटीमेसी नहीं होती उनके अंदर, अपनेपन की भावना, लव एंड कंपैशन की भावना नहीं होती सब लोगों के साथ। मतलब देखिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को बड़े प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, जिनको ही देखते हैं हग करने लगते हैं, किस करने लगते हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है उनके अंदर इंटीमेसी नहीं हो पाती, मतलब किसी से भी घुल मिल नहीं पाते, अपनापन प्रेम मोहब्बत नहीं जता पाते, उसे जताने में शर्म आती है या हिचकिचाहट होती है, तो ये भी एक सिम्टम है हार्ट चक्र के ब्लॉक होने का। नेक्स्ट सिम्टम है, देखिए वो है लॉट ऑफ एंगर एंड जेलसी। यस, जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली प्रवृत्ति का होता है, छोटी छोटी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसे किसी की बात अंडरस्टैंड नहीं होती है और उसकी जगह एंगर आने लगता है, जेलसी की भावना बहुत ज्यादा होती है। देखिए आज के डेट में आप महसूस क्या होगा, थोड़ी बहुत जेलसी तो हर के व्यक्ति के अंदर है, इनसिक्योरिटी हर के अंदर, लेकिन इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जेलसी होती है, वो किसी के भी आगे बढ़ने पर उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगता और अपने आप को उस कंडीशन में वो बहुत बेचारा समझते हैं, तो इस तरह की सिम्टम भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है होपलेसनेस, जीवन के प्रति बिल्कुल नकारात्मक, कोई आशावादी दृष्टि नहीं होती, कोई होप नहीं होता, होपलेस होते और बेसिकली जो होता है वो लव के कंसेप्ट में, देखिए प्यार के कंसेप्ट में बहुत ही होपलेस होते हैं, इनके बहुत सारे हार्ट ब्रेक हुए होते हैं तो इन्हें लगता है लव इज फालतू, लव इज रबिश, लव इज ऑफ नो यूज, मतलब लव के प्रति घृणा की भावना होती, लव उन्हें अच्छा ही नहीं लगता और लव के संदर्भ में उन्हें कोई भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, देखिए फिजिकल लेवल पे देखिए तो जो ये हार्ट है हमारा उसके आसपास के इलाके में ऐसे लोगों को फिजिकल सेंसेशंस होती है, मतलब कुछ भी अनयूजुअल सा आपको फील हो हार्ट के आसपास तो आप समझ सकते हैं कि आपके हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। द नेक्स्ट वन सिम्टम इज कफ एंड कोल्ड। यस, जो लोगों को बहुत कफ एंड कोल्ड रहता है, मतलब सेंसिटिव है वो लोग, वेदरिक कंडीशन के हिसाब से उनको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी सूट नहीं हो पाता वेदर और जल्दी से खांसी जुकाम किसी भी चीज से वह सेंसिबल हो जाते हैं, तो इन लोगों का भी दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है कि हार्ट चक्र ब्लॉकिंग स्थिति में है। इसके अलावा जो सिम्टम है वो ये है कि ऐसे लोग हाईली सेंसिबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव, मतलब छोटी छोटी बात उन्हें पिंच कर जाती है, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, उन्हें लोग बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना देते हैं, वो बेवकूफ बन जाते हैं, लोग की लुभावनी बातों में आ जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो हार्ट चक्र है अनाहत चक्र वो ब्लॉकिंग स्थिति में। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, देखो कहा गया है कि किसी की भी अति और किसी का भी कम होना अच्छा नहीं होता, ना ओवर ना अंडर, तो ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा हार्ट चक्र, हार्ट देखिए बहुत ही इम्बैलेंस वाला हमारा फिजिकल पार्ट है, कई बार बहुत ज्यादा हम खुश रहते हैं, कई बार बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो देखिए जब हमारा हार्ट चक्र ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव होता है उसके क्या सिम्टम्स है, ऐसी स्थिति भी हमारे लिए हानिकारक है। तो ओवर एक्टिव होने के हार्ट चक्र के सिम्टम है, द फर्स्ट वन इज ऐसे लोग बिल्कुल जुनूनी पागलपन वाला प्यार करते हैं। यस, आप बहुत सही सुन रहे हैं, बिल्कुल पागलपन वाला वो प्यार करते हैं, ब्लाइंड लव होता है, बिल्कुल उन्हें सब कुछ दिखता है, सबको समझ में आता है तो भी किसी के साथ चिपके पड़े रहते हैं, उन्हें अंधा जैसा प्यार हो जाता है, एक्सट्रीम लव हो जाता है, तो ये सिम्टम भी बताता है कि उसका जो हार्ट चक्र है वो ओवर एक्टिव है। ना अंडर एक्टिव की सिचुएशन ये है कि ऐसे लोग प्यार से डरने लगते हैं,
वो प्यार ही नहीं करना जानते, उन्हें प्यार से बहुत डर लगता है। कोई भी प्यार मोहब्बत की बात करता है, अपनेपन की बात करता है तो वो भाग जाते हैं, डर जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते, मतलब अपने आप को काबिल ही नहीं समझते। एक्चुअली प्रेम के अपने आप को काबिल ही नहीं समझते, तो ये सिम्टम भी डिनोट करते हैं कि हमारा हार्ट चक्र ओवर एंड अंडर एक्टिवेट है। तो देखिए दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको अभी तक बताई हार्ट चक्र के ब्लॉकेज होने की और जो नेक्स्ट है ओवर एक्टिव होने की। अभी तक आपके मैंने आप लोगों के साथ ये तीन जो मेडिटेशन है वो मेरे चैनल पूजा उपाध्याय ऑल इन वन में जो प्लेलिस्ट है आप जाके देख सकते हैं, मेडिटेशन एंड योगा मैजिक, उसमें मैंने आपके साथ मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र, इन तीनों चक्र की इंफॉर्मेशन और इन तीनों चक्र का मेडिटेशन आपके साथ शेयर किया है। अब दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपके साथ हार्ट चक्र, अनाहत चक्र का मेडिटेशन शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट चक्र बेसिकली होता क्या है। तो ये जो तीन डिफरेंट मेडिटेशन जो मैंने शेयर किए हैं वो भी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं और उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं और इस तरीके से हमारे जो 7 चक्र हैं उन्हें बैलेंस करके आनंद की स्थिति में पहुंच सकते हैं। हर चक्र को आप 21 डेज तक हील करिए कंटिन्यूअसली और इस तरह से आप 7 चक्र को 21 डेज तक हील कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्ट चक्र, व्हाट इज अनाहत चक्र। देखिए हार्ट चक्र जो है हमारा 4th इंपॉर्टेंट चक्र है। ये चक्र कोई ना कोई हमारे जो 7 चक्र हैं, हर चक्र जो है एक पर्टिकुलर ग्लैंड से डील करता है फिजिकल लेवल पे। तो जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो थाइमस ग्लैंड है उससे रिलेट करने वाला वहां पर्टिकुलर इसकी लोकेशन है, मतलब जो हमारा हार्ट है आपको पता है ना, लेफ्ट है ना राइट है, हमारे बीच में है, तो वहीं पर इस चक्र की लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि आज मैं बहुत ही सुंदर से ग्रीन कलर के सोफे में बैठी हूँ और मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। तो दोस्तों जी हाँ, इस चक्र का कलर ग्रीन है, 12 पंखड़ियों वाला ये चक्र है। इसका जो एलिमेंट है वो है वायु तत्व और यम जो है इसका बीज मंत्र है। तो ये चक्र को हील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं सारे रिश्ते नाते सारे इमोशंस जो है हमारे हार्ट से जुड़े हुए हैं, तो यदि ये बैलेंस रहता है तो हम लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो देखिए जब ये बैलेंस हो जाता है मेडिटेशन के थ्रू, जब आप, मैं मेडिटेशन जो शेयर करूंगी उसे 21 डेज तक, देन 45 एंड 90 डेज तक हील करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत ही बेहतरीन सब बदलाव हो गया है। और वो बदलाव किस फॉर्म में होगा, देखिए आपके स्वभाव में बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, आप हर जगह आनंद को महसूस करेंगे, हर लम्हा जीना शुरू कर देंगे, प्रेजेंट मूवमेंट में जिएंगे, आनंद ही आनंद आपको सबके प्रति प्रेम का भाव, कंपैशन का भाव, काइंडनेस का भाव, फॉरगिविंग भाव अपने आप आने लगेगा और आपको ईर्ष्या जलन जो है वो आपकी कम होने लगेगी और आप इंजॉय करेंगे लाइफ को। देखिए हम कई लोग सिर्फ लाइफ को जी रहे हैं, आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो जस्ट वेट फॉर द मेडिटेशन दैट आई एम गोइंग टू शेयर रिलेटेड टू द हीलिंग ऑफ हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। जल्द ही मिलते हैं विद द मेडिटेशन ऑफ हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।